हाय एवरीवन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में तो आज के सेशन में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल डिस्कस करेंगे कई सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल पर एक आंसर प्रोवाइड करने के लिए तो आज का सेशन डेडिकेट जो डेडिकेटेड रहेगा वो सिर्फ रोल में रहेगा यहाँ पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी कि, कि कितनी टाइप्स के होते हैं क्या मीनिंग होता है ये सब पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुकी हूँ डिटेल लेक्चर है वो आप चाहें तो उसे सर्च करके देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना फोकस रखेंगे रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओके okay? तो मैं डिले नहीं करूँगी फर्दर इस पे हम डिस्कस करते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का असेंशियल रोल होता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सही से फंक्शन करें ओके पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने आप में बहुत ह्यूज रोल होता है स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओके okay? तो पहला रोल आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन के एजेंट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि कैसे ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है डिटेल में मैंने डिस्कस किया है अगर हम यहाँ पर रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंटेक्सट पे बात करें कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये स्प्रेड करती हैं क्या चीज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ओके पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या हैं पॉलिसी क्या है, गेटिंग इट, नेशनल गोल्स क्या हैं या जो कोई पर्टिकुलर पार्टी है वो किस तरीके के एक तरीके से एम एंड ऑब्जेक्टिव रखती है अपने सिटीजन्स के लिए या नेशन के लिए तो इस तरीके के जो वैल्यूज़ हैं आइडियोलॉजीज़ हैं उसको स्प्रेड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, के द्वारा तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से जो सिटीज़न्स हैं या जो पीपल्स हैं वो एक तरीके से अवेयर होते हैं अबाउट कि किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं फिर वो अपना की इंटरेस्ट देखते हैं कि उनका किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक तरीके से इंटरेस्ट है ओके okay? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोबिलाइजेशन की तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल वैल्यूज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पीपल मोबिलाइज करते हैं पोलिटिक politi, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करते हैं ओके okay? तो ये एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन होती हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं डाइवर्स इंटरेस्ट को किसके डाइवोर्स इंटरेस्ट को डिफरेंट जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं डिफरेंट पीपल्स हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ओके उनके वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पर्सपेक्टिव को रखते हैं ओके okay, और गवर्नमेंट uh, के सामने उन उनकी नीड्स को रखा जाता है अगर अपोजिशन है फॉर एग्जांपल तो तो कुल मिलाकर डाइवोर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन करते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट या गवर्नमेंट तो एक किसका काम करती हैं ब्रिज का काम करती हैं जहाँ पर पीपल को गवर्नमेंट से कनेक्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड सिंप्ली सिंप्लीफिकेशन ऑफ चॉइसेस फॉर वोटर्स ओके okay. इसमें आप क्या लिख सकते हैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर दी इलेक्शंस ओके स्ट्रक्चर फॉर द इलेक्शंस तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन में खड़ी होती हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं तो वोटर्स को यहाँ पर च्वाइस मिलते हैं तो एक इलेक्शन का स्ट्रक्चर दिया जाता है इनके द्वारा वोटर्स को ईजी बनाया जाता है पोलिटिकल पार्टीज़ को कि वो किस ऑप्शन को चूज़ करें ओके अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ओके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस बनाते हैं नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इसमें क्या होता है बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने पे मेजर रोल प्ले करती हैं ओके पॉलिसी एजेंडा जो होता है क्योंकि जो कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और जो उनके गोल्स होते, है, होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पर ओके okay? तो पार्टीज़ जो गवर्नमेंट में हैं वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाएगी उस आ, अब पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे लेजिस्लेशन के थ्रू तो जो गवर्नमेंट में पोलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनेगी वो जो भी उन्होंने प्रोमिस किए होंगे सिटीजनस के साथ में उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन करेंगे ओके okay? अब जैसे मान लीजिए अगर हम एन गवर्नमेंट का देखें तो उनका अपना खुद का ये ओपिनियन था कि वो थ्री सिक्सटी रिमूव करेंगे तो वो जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आई उन्होंने लेजिस्लेशन के थ्रू थ्री सेवेंटी रिमूव किया कोई फर्दर गवर्नमेंट आएगी कहेगी हम वुमेन को ये रिजर्वेशन देंगे तो वो उस एजेंडा के अकॉर्डिंग गोल के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन करेंगे तो फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट है यहां पर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ओके okay, उनको ग्रूमिंग किया जाता है वो कैंडिडेट्स को ओके okay, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है फॉर द फर्दर लीडरशिप रोल और आपको पता है फिर यही लोग आगे चलकर आपके पीएम बनेंगे फिर प्रेसिडेंट बनेंगे मिनिस्टर्स बनते हैं अपोजिशन लीडर्स बनेंगे स्पीकर बनेंगे ओके okay. तो इस तरीके से इन पोलिटिकल पार्टीज में ही इनकी ग्रूमिंग होती है नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल तो लिंकिंग द गवर्नमेंट टू द पब्लिक तो वही हम कह रहे हैं एक्ट ये यहाँ पे ब्रिज की तरह काम करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट और सिटीजन्स के इंटरमीडियरीज होते हैं ब्रिज होते हैं ये ऑन द जो पब्लिक है कॉमन पीपल से उनके बिहाफ़ में इश्यूज को रेज करते हैं फॉर एग्जांपल अन्प्लॉयमेंट एक मेज़र इश्यूज है वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक मेज़र इश्यूज है तो इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ रेज करती हैं गवर्नमेंट के सामने चाहे वो पार्लियामेंट में हो या वैसे डिबेट में हो तो पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पर एक तरीके से रखा जाता है तो ये लिंक कैसे है ये आप जानते हो इस चीज़ को नेक्स्ट है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अपोजिशन तो जो कुछ जो एक पॉलिटिकल पार्टीज जो विन करेगी इलेक्शंस को वो गवर्नमेंट बनाएगी दूसरी जो होगी वो अपोजिशन का रोल करेगी ओके okay. फिर इसके बाद से आप फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाती हैं और कंपटीशन फॉर पावर करती हैं कुछ गवर्नमेंट बनाएंगे कुछ अपोजिशन में रहेंगे ओके okay, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में किसी भी सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ नेक्स्ट है पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है इनके द्वारा तो अब जैसे कि सोशलिज्म लिबरलिज्म कंजरवेटिज़म ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा प्रमोट की जाता किया जाता है स्प्रेड किया जाता है थ्रू कैंपेन थ्रू डिबेट थ्रू डिस्कशन ओके और इस तरीके से जो वोटर्स हैं वो अपनी पोलिटिकल आइडेंटिटी अपना पोलिटिकल ओपिनियन शेप करते हैं थ्रू दिस अवेयरनेस ओके देन नेक्स्ट आप लिख सकते हो इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसी डिबेट एंड पब्लिक ओपिनियन तो पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है पोलिटिकल पार्टीज़ का तो मीडिया के द्वारा पब्लिक स्टेटमेंट्स के द्वारा पार्टीज का जो इन्फ्लुंस है पब्लिक ओपिनियन में वो शेप करते हैं और इसमें रेंज ऑफ इश्यूज को लाते हैं ये चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हों चाहे सोशल राइट्स हों ओके चाहे इंडिविजुअल के राइट्स हों चाहे पर्टिकुलर सेक्शन के राइट्स हों जैसे वोमेन हो गया माइनॉरिटीज हो गए तो ये पॉलिसी डिबेट एंड पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं तो आप इसे कंक्लूड कर सकते हो लास्ट में कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं ये फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिटिकल लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू पॉलिसी मेकिंग फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू पब्लिक ओपिनियन ये सारी चीज़ें और ये फैसिलिटेट करते हैं इंगेजमेंट को और अगर अपोजिशन में है तो वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल को समझना और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा गॉट इट तो आई होप कि जो ये दस पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए एनफ हैं आप इसे लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल्स दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आपके पास कोई इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिगार्डिंग टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो प्लीज़ कमेंट भी लो आपका जो नॉलेज होगा वो हम सभी के लिए काम आएगा हम लोगों का भी नॉलेज एनरिच होगा ये मैं अपने हर एक लेक्चर में कहती हूँ कि अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर किया करें कमेंट में एक तरीके से शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो जाती है हम लोग अपना नॉलेज और इनरिच कर सकते हैं आप हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास और इनोवेटिव आइडिया होगा पॉइंट होगा तो प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट सीव इन द नेक्स्ट वीडियो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब मई चैनल एंड दूसरों के साथ जरूर शेयर करना एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच